बॉडी बिल्डिंग को स्विच करके पावर लिफ्टिंग में चलेगा और पावर लिफ्टिंग में जाके यूएसए में अमेरिका में जाके मेडल ले आया। तो या तो इंसान शुरू से की चीज, अब पहलवान आदमी शुरू से पहलवानी कर रहा है, उसको एकदम से बोलो पावर लिफ्टिंग कर ले, या पावर लिफ्टर को बोलो पहलवानी कर ले, या बॉक्सर को बोले तो बॉडी बिल्डिंग कर ले, तो वो बहुत गेम पलट के मेडल लाना, तो बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल। इतने साल के गेम के बाद, इतने साल एक दो साल हुआ तो कोई नहीं, जब स्विच कर लो कि भाई अभी तो नए नए हैं, हनी ने आज शुरू करी है बॉडी बिल्डिंग, लेकिन इसको बॉडी बिल्डिंग समझ नहीं आई, बिगनर है, चल पावर लिफ्टिंग घुस गया, वो समझ नहीं, लेकिन जहाँ मेडल पे की बारिश हो रही है, नाम भी हो रहा बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद गेम स्विच, गुरुजी वो क्यों करा और कितने साल बाद? क्योंकि एक तो हम उस टाइम पे पीक पे खड़े थे अपने फेडरेशन में बॉडी बिल्डिंग में, अच्छा, और वहाँ से एकदम से स्विच करना, वो थोड़ा सा कोई फेडरेशन के साथ इश्यूज थे, वो मतलब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है वहाँ, फिर कोई बात, क्योंकि उसी फेडरेशन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, इतना नाम भी दिया है, कोई छोटी मोटी बात ऐसी होगी तो, लेकिन तो गुरुजी ने बोला भाई अब स्विच करते हैं, बहुत हो गया बॉडी बिल्डिंग, मुझे बताओ, बोला पावर लिफ्टिंग में चलते हैं। तो गुरुजी आपने बात मान ली? गुरुजी मैंने आज तक उनको पलट के ये नहीं पूछा जी ऐसा क्यों, क्यों वो आज तक भी नहीं। तो भैया जितने भाई हमारे देख रहे हैं, थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेना, आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल का जो यूथ है हमारा, अपने गुरुओं को ये समझता, पैसे दो काम कराओ, काम निकला भाड़ में जाओ, तो भैया ये चीज़ नहीं होती है। जैसे माँ बाप की इज्जत होती है, उनकी पूजा की जाती है, जैसे भगवान की जाती है, ऐसे ही गुरुओं को पूजा जाता है भैया, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती आई है और हम भी यही सिखा रहे हैं। गुरुजी से आज ये बात सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी ने पलट के बाप से भी पूछ लेता इंसान की, पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर दोगे ना, तो फिर वो गुरुजी भी अगली बार सोचेगा कुछ बोलने से, सही बात कि यार ये कहीं मानेगा नहीं मानेगा, आज इतने मैंने तो आज तक वो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये नहीं करना अभी, अब ये करना चल ये करना। आज अगर कितने सारे चैंपियन बन गए हमारे, अगर हम शेयर क्लास से ही देखें गुरुजी, आज इतने सारे बच्चे आते हैं, आप ही बोलो सुन अगली बार से तू बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा, पावर लिफ्टिंग करेगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगली बार वो स्टूडेंट आए भी ना। हाँ गुरु जी पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, ये तो कैरियर खराब कर रहे हैं, अब तो मेरा पीक आया है, अब मैं चैंपियन बनाऊँ, और गुरु जी कह रहे हैं अब गेम चेंज कर ले, पावर लिफ्टिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता, अब चैंपियन बन के मैं वहाँ जाके शुरुआत करूंगा, और उसमें कुछ हो या ना हो तो वो वही है, बिलीविंग की बात है, आपका बिलीविंग सच्ची है तो फिर उसमें भी तैर जाते हो धीरे धीरे करके, हम वहाँ से भी ओलंपिया में मेडल लिया है, तो वहाँ से गुरुजी मैं तो खेल ही गया था, गुरुजी ने दोनों यही था चलो यार पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड उतना नहीं था। जैसे जैसे सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैं शुरू से जानना चाह रहा हूँ कितने साल के बाद स्विच करा था गेम? 97 में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया और 2013 में हम फर्स्ट टाइम वो खेल, 97 से 16 साल, 16 साल के बाद, 16 साल तो मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान शुरू करे ना अपनी जिंदगी का करियर का, 16 साल में आधी जिंदगी निकल जाती है, बिल्कुल, तो 16 साल बाद आपने गेम स्विच कर लिया। हाँ गुरु जी के कहने पे। हाँ गुरु जी कहते हैं दिल में चढ़ गए आज। अब जब स्विच करा गेम तो उसके बाद फिर कितना टाइम लगा यूएस जाके गोल्ड मेडल लाने? 2017 में हमारा 4 साल बाद वहाँ पे ओलंपिया के लिए सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पे हालांकि मेरा जो स्टैंडर्ड था लिफ्टों का वो था नहीं ज़्यादा, अच्छा, जो और लिफ्टर थे मेरे से 100 किलो आगे था स्टार्टिंग का, जब आपने शुरुआत की थी? नहीं जब मैं खेलने गया, अच्छा, लास वेगास, अच्छा, मेरे से 100 किलो आगे स्टार्ट था उनका, लेकिन वो आता ना कई बार आप हिम्मत करते हो तो लग भी साथ दे जाता है। हाँ उसमें उस दिन 4 लिफ्टर जो टॉप के लिफ्टर थे, हाँ वो 4 वाश आउट हो गए, वाश आउट तब होता आदमी जब तीनों लिफ्टर किसी इवेंट की फेल हो जाए, या तो स्क्वाट की या बेंच की या डेड, अच्छा, वो डेड लिफ्ट जाते जाते 4 जो मेरे से आगे थे वो 4 वाश आउट हो गए, 4 फेल हो गए। हाँ हमने अपना बेस्ट किया वहाँ पे, जितना हम यहाँ कर रहे थे उससे थोड़ा और अच्छा किया और गोल्ड लग गया। गुरु जी सीधा सीधा तो कई बार लक भी आपके साथ, ये तो बहुत बड़े लक की बात है। चलो एक समझ में आता दो समझ में आते हैं। हाँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम भाई पावर लिफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, उस दिन हमारा लक भी साथ था, लक भी साथ। हाँ गुरु जी फिर अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के साथ थी सबसे मेन चीज़, तो नीयत साफ होना। बिल्कुल जैसा आपने बताया गुरु जी ने बोला गेम स्विच करो, बात खत्म है ना। शुरू कराई बॉडी बिल्डिंग से, ख़त्म तो खैर आज भी नहीं हुआ, लेकिन बीच में आ गए पावर लिफ्टिंग में। तो गुरु जी जब शुरू की जर्नी से लेके अब तक ये सोच